हम लोग जैसे शूटिंग कर रहे थे तब से हैं, और अब तो और ज़्यादा एग्जाइटेशन है क्योंकि हम लोग देखने आए हैं। मैं इस फिल्म में खुद एक पात्र का जो है निर्वाह किया हूँ एज ए नागराज खलनायक, और इसमें विनोद भैया ने हमारे बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मतलब लगन के साथ इन्होंने फिल्म बनाई है। और बहुत दिनों बाद भोजपुरी, मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे बाद ये ऐसी फिल्म आई है जिसको पूरे परिवार के साथ लोग देख भी रहे हैं, और चारों तरफ से, चाहे वो बिहार झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, या अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है गोरखपुर और बनारस में, हर जगह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। यहाँ मुंबई में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, फैमिली आ रही है, परिवार आ रहा है, औरतें आ रही हैं, जो कि जितनी भी मुझे लगता है सफल फिल्में भोजपुरी की रही हैं, चाहे वो नदियक पार हो, चाहे गंगा किनारे मोरा गांव, जो भी फिल्में हिट हुई हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान जो महिलाओं का रहा है, परिवार का रहा है। तो ये फिल्म बहुत दिन के बाद फिर से महिलाओं को थिएटर में लाने में सफल रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ विनोद जी को और अशोक त्रिपाठी अत्री को। बड़ी अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है इसको जनता को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। आपको ये फिल्म देखने में कितनी देरी हुई? नहीं, देखने में देरी नहीं, अभी तो मतलब मुंबई में परसों ही लगी है, तो आज का प्लान था सब विनोद भैया का ये था कि आज हम लोग सब आएंगे एक साथ सारे कलाकार लोग, तो हम लोगों का प्लान था आज देखने के लिए, तो दो ही दिन देर हुआ, ज़्यादा देर नहीं हुआ है।